देखिए उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग देख रहे हैं, पुलिस से और पब्लिक से बड़ा उनका संबंध अच्छा था, कोई भी केस को अच्छी तरह से निष्पादित करते थे, बढ़िया से व्यवहार कर आम जनता से करते थे, और उनको व्यवहार में तो कहना नहीं है। लोगों से मिलना जुलना कैसा? लोगों से मिलना जुलना एकदम अपनियत के भावना से देखते थे, पुलिस के भाषा से नहीं बात करते थे, ना किसी को डांट कर बोलते थे, ना गाली देते थे, पुलिसिया भाषा उनमें नहीं था, एकदम ईगो नहीं था, ना ईगो नहीं था उनमें। और शहर में कहीं गांव में अगर जाने के दौरान आप लोग मिले होंगे, उस समय कैसा? एकदम शांत स्वभाव के, बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। कोई हम तो देखते हैं कि पुलिस लोगों को बहुत किस लोग गाली देते हैं, डांटते लोग तो गाली भी नहीं अपनी जुबान से देते थे, मिला जुला के बैठा करके शांति से बात करते थे। जो आप घटना सुन रहे हैं क्या लगता है आप? घटना तो हम बोले सुनियोजित हम नहीं, घटना के तो बड़े दुखी हैं, घटना से विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उनके रिवाल्वर से ऐसा होगा। सर्विस पीरियड में रिवाल्वर लेके गए तो उसको जाँच होनी चाहिए। हाँ, जाँच होनी चाहिए, अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए, जो गलती है उसको सजा मिलना चाहिए। हमारा नाम संजय पांडे सिमरी। शिक्षु DSP यहाँ पे 4 महीने यहाँ पे रहे हैं जी, तो 4 महीनों के कार्यकाल में आप लोगों से मुलाकात होती थी, तो किस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो? हम लोग तो बराबर सिमरी थाना आते थे, 4 महीना के अंतराल में हमसे जितने बार मुलाकात हुआ है वो बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के थे। उनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था, वो किसी भी पब्लिक को आज तक 4 महीने के दरमियान परेशान नहीं किए हैं। 4 महीना में ऐसा वो कार्य किए हैं सिमरी क्षेत्र में कि लोग उनका गुणगान गाते हैं। जैसे मैं क्या किया? जैसे मैं पणरी केस, एक दिन बाद ही पणरी केस का बैंक गबन का उद्भेदन उन्होंने ही किया था। बड़ा मामला था। बहुत बड़ा मामला था, 1.5 करोड़ रुपये का मामला था। उसके बाद बहुत जगह दारू पकड़ाया, तो DSP साहब बहुत सुलझे हुए इंसान थे और बहुत बढ़िया आदमी थे। कोई थाने में अगर आता था तो उसके साथ क्या व्यवहार? बहुत बढ़िया व्यवहार, ये तो लगता ही नहीं था कि हम एक DSP के सामने आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, ये लगता था कि नहीं हमारे घर के हैं। उस तरह हम लोग बात करके, चाहे कोई जनता आती थी तो उस तरह बात करके अपना काम करवाती थी। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ से जा करके और अपने दोस्त को हत्या, जो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? हमको तो हत्या नहीं लग रहा है, ये तो दुर्भाग्य है कि वैसे व्यक्ति कैसे इस घटना में फंस गए। फिर भी घटना हुई है तो उसकी? घटना तो हुई है, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली है, लगी है ना, घटना तो हुई है, लेकिन कैसे इस दुर्घटना में वो फंस गए ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या मांग करेंगे आप? मांग बढ़िया से बढ़िया जाँच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, गलत फंसाने वाले फंसा ना पाए किसी को, बढ़िया जांच करके उसका निराकरण किया जाए। क्या पर्ची आपको? रंजीत कुमार अपेक्ष अध्यक्ष सिमरी। देखिए व्यवहार में तो कोई लेकिन परंतु की बात ही नहीं है, और कोई शक और संशय का विषय ही नहीं है, क्योंकि जब आशुतोष सर DSP जब यहाँ पर बन करके फरवरी माह में यहाँ पर आए, उस समय पहली बार उनका स्वागत करने हम गए थे, इसका हम गवाह हूँ, और उनसे उस समय से लेकर के आज तक हम लगातार उनसे मिलते रहे हैं और उनसे हर विषय पर हम लोग बात करते थे। सामाजिक कार्य में उनका बढ़ चढ़ कर योगदान रहता था, कोई भी कार्य जो लंबित रहता था उसको निष्पादन करने में उनका सबसे बड़ा एक कार्यशैली अलग था, और ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे उनके रिवाल्वर से इस तरह का घटना हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जांच का विषय है और विभागीय इस पर जांच करे, और हमको नहीं लगता है कि DSP साहब के रिवाल्वर से इस तरह का घटना होगा। इसमें जो भी हुआ है इसके तहत साजिश के तहत ये कार्य किया गया है और उनको जेल में बंद किया गया है, क्योंकि DSP साहब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको यहाँ से जाने के बाद जब वो जा रहे थे, मैं ये हकीकत घटना में बता रहा हूँ कि मैंने उनसे एक दिन पहले हमको बात हुआ और मैंने विंध्याचल से रिटर्न आया, उन्होंने बोला कि बाबू तुम मेरे लिए प्रसाद रखना, मैं आ रहा हूँ पटना से और प्रसाद हमको जरूर दीजिएगा। लेकिन हम एकाएक सुबह में देखे कि भाई इस तरह का न्यूज आने लगा, DSP साहब के साथ ऐसा घटना हो गया है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है विभाग पर। आपको आज अब जिस तरीके से मृतक के पिता ने CID जांच की मांग की है, हत्या का आरोप लगाया है, आपको लगता है कि इसका उचित जांच होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है।
और जो मृतक के पिताजी हैं वो पीड़ा में अगर आरोप लगा रहे हैं तो ठीक है वो लगाए, लेकिन ऐसे हमारे मानने से ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ उनको कहने से अगर ऐसा होता तो फिर तो हर कोई दोषी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जांच का विषय है, इसमें कोडरमा पुलिस और बिहार पुलिस के जो विभाग हैं दोनों मिलकर के जांच करें, सीआईडी के जांच करें या सीबीआई के जांच करें, जिस तरह से जिस स्तर पर जांच करवाएं ये जांच का विषय है। सोनू द्विवेदी, युवा समाज सेवी, सिमरी। चलो होटल को।